मुझे नहीं पता मैंने क्या किया क्या नहीं, या जो मन कर रहा था। ये मेरा मामू है और ये मामू की बेबी है। गाइस मेरी डर है गाड़ी चलाने की, डरना मत, मेरे साथ बने रहना। हमारी रॉक्सी और अनंत भारद्वाज का है धूप का आनंद लेते हुए। आज बजने वाला है, छुट्टी होने वाली है यहाँ। हेलो गाइस, दिस इज ऋषिका जम्बाल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सो सब ठीक होंगे। एंड कैसा लगा आपको मेरा पिछला व्लॉग, व्लॉग नहीं बोलेंगे उसको, आई मीन जो भी मेरी बड़बड़ थी, जो मेरी थी बकवास करी थी, बकवास नहीं थी मतलब बोलना मैं कुछ चाहती थी और बोल कुछ कुछ दिया, मुझे कुछ पता नहीं लगा मैंने क्या बोला है लिटरली, मतलब छोड़ो। पर आई होप सो जो मेरी मम्मी और भाई के साथ जो सीन हुआ था वो सही था। चलो ये सब बातें करते रहेंगे हम साथ में। अभी हो चुकी है सुबह, ठीक है, तो टाइम हो रहा है सुबह के 6 बजे हैं। तो मेरा सुबह का शेड्यूल ये रहता है कि मेरे को जिम जाना होता है सुबह, तो मैं फ्रेश तो हो ली ठीक है, अब मैंने सिर्फ रेडी होना है जिम के लिए, तो लेट्स गेट रेडी फॉर द जिम और फिर जाएंगे हम जिम। ओके तो गाइस जिम के लिए मेरी आज के लिए ये आउटफिट रहेगी, ये शर्ट जो मैंने अपने भाई की पहनी है तो क्या हुआ, जो मेरा है वो उसका, जिसका वो मेरा, तो जो मेरे कपड़े हैं वो उसके नहीं है, वो उसके काम के नहीं है, पर उसके कपड़े मेरे काम के हैं, ओनली टी शर्ट्स एंड शर्ट्स भी। अरे यार कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। सो गाइस फाइनली जो है मैं जिम के लिए रेडी हो चुकी हूँ, तो चलते हैं जिम। आज मैं वीडियो के चक्कर में ना ये सब जो काम कर रही हूँ लेट हो गई, ऐसे अंधेरा होता है बाहर जाते जाते टाइम, और अब तो पर हाँ आजकल तो दिन भी लंबे हो गए हैं, सुबह ही जल्दी सुबह हो जाती है, पर तो 7 बजे तक भी अंधेरा होता था। तो चलो चलते हैं जिम साथ में। सड़क से जाने का टाइम नहीं, शॉर्टकट मारूंगी अपने गाँव के खेतों से। ऐसे देख लो मस्त है ना यहाँ पे, एकदम मस्त सुकून भरी जगह, शॉर्टकट मार के भागना। वाह यार सुबह कितना अच्छा लग रहा है, इट्स सो रिलैक्सिंग। ठीक है तो मैं आपसे डायरेक्ट ना जिम पे ही मिलूंगी, ठीक है। ऐसे तो फिर पता नहीं मैं जिस हिसाब से चल रही हूँ वीडियो बनाने के चक्कर में आराम आराम से तो वैसे नहीं चलेगा काम। सो या लेट्स गो। सो गाइस अभी राइट नाउ मैं जिम में हूँ, तो अभी यहाँ पे एक या 1.5 घंटा जो है जिम मारूँगी, एक्सरसाइज करूँगी, उसके बाद तो शेड्यूल आप देखते रहना साथ में, इसलिए मेरी वीडियो के साथ बने रहना, उसके बाद तो क्या शेड्यूल रहता है। सो या अभी एक्सरसाइज मार लेती हूँ, ठीक है। हाँ ये कर लो पहले।
तो यार गाइस फाइनली जो है जिम कंप्लीट एक आवर के बाद. सो यार अभी मैंने शायद बताया नहीं होगा, मैं ड्राइविंग क्लासेस ज्वाइन कर रखी है. तो अभी मेरे गुरुजी जो हैं कॉल नहीं उठा रहे हैं. हाय विक्की भैया. तो तब तक जो वो आएंगे तो तब तक मैं जो अपने लैब में चल जाऊँगी, तब तक मशीन वगैरह रेडी कर लेती हूँ. टाइम वेस्ट क्यों करना है, आपके घर से कौन आए थे दूर से. तो मैंने बताया नहीं होगा मेरा जिम भी इधर साथ में ही है, हॉस्पिटल के जस्ट एक दो बिल्डिंग आगे जो है मेरा जिम है और यहीं साथ में मेरा हॉस्पिटल है जहाँ पे जो हमारी लैब है पैथकाइंड लैब. तो यार तब तक जो है हम लैब में जाएंगे और जैसे ही मुझे कॉल आती है फिर उसके बाद मुझे ड्राइविंग क्लास के लिए जाना पड़ेगा. सो मैं कोशिश करूँगी उनकी कॉल से पहले जो है मैं सारी चीज़ रेडी कर सकूँ. सो यार राइट नाउ हम हैं हॉस्पिटल में. यार विक्की भैया ऐसे क्यों कर रहे हो, ऐसे नहीं करना होता है. हेलो करो, नमस्ते करो, नमस्कार करो. अरे तो हेलो तो कर दो. हेलो ओके. यहीं बेसमेंट में जो है हॉस्पिटल के वो है हमारी लैब. सो या पार्किंग एंड या दिस इज ऑल. मुझे इसको ओपन करना पड़ेगा क्योंकि अभी कोई नहीं है. पैथकाइंड लैब्स, जांच सही तो इलाज सही. ओके सब अंधेरा अंधेरा. सो गाइज ऑलमोस्ट मैंने अभी जो है मशीन जो है रेडी कर ली है लैब में. सो या अभी जैसे ही मेरे ड्राइविंग स्कूल वाले गुरुजी का फ़ोन आएगा तो उनके पास जो है तब मैं जाऊंगी ड्राइविंग के लिए, मतलब थोड़ी ऐसी ट्रेनिंग के लिए, क्लासेस के लिए, यही समझ लो. तो तब तक बने रहना मेरे ब्लॉग के साथ. अब मैं डायरेक्ट आपको वहीं मिलूंगी. अब आने वाला होगा मेरे को कॉल, मैंने उनको कॉल बैक की थी तो कॉल बैक नहीं की थी, सॉरी मैंने उनको कॉल करी थी, उन्होंने मुझे कॉल बैक करनी है. तो जैसे ही उनकी कॉल आएगी फिर हम जाएंगे. ठीक है मैं पता नहीं क्या बोल रही हूँ ना, अभी घर भी जाना है मुझे, इससे पहले मशीन तो मैंने रेडी कर लिया, बस अब ड्राइविंग का वो बच रहा है, फिर वो हो जाएगा, उसके बाद मैं सीधे घर निकलूँगी. घर से फिर रेडी होकर फिर मुझे यहाँ आना है. सो या बने रहना मेरे ब्लॉग के साथ मेरी आज की पूरी रूटीन देखने के लिए. सो भैया कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? गाइस बाहर सुबह हो गई, मतलब सुबह तो पहले भी थी पर अब बहुत ज़्यादा सुबह हो गई, आई मीन उसे धूप आ गई. अब इसमें मैं घर जाऊँगी, अब घर से वापस आऊँगी रेडी होकर. यार क्या बंदे हो आप, मैं मन भैया घर नहीं जाऊंगी अभी, मैं ड्राइविंग पे जाऊंगी. क्या बोल रही हूँ मैं, पुट्ठा सीधा ड्राइविंग वाले अंकल ने आज लेट कर दिया. ठीक है जाती हूँ, यहाँ पे खड़े होंगे वो साइड वाली साइड. ओह माय गॉड वाओ, गुरुजी जब फोन करते हो तब उठाते नहीं. जब भी आपको फोन करते हो तब आप उठाते नहीं. नमस्ते करो मेरे दोस्तों को, आपको वायरल करना है मेरे को फिर आपके क्लाइंट्स बढ़ेंगे यू नो. अगर किसी को ड्राइविंग सीखनी होगी तो प्लीज मुझे बताना कमेंट में, मैं आपको गुरुजी से कांटेक्ट करवाऊंगी. इससे नेक्स्ट है मेरी बारी, पहले ये भैया की ट्रेनिंग चल रही है, उसके बाद मेरी. गाइस अब मेरी डर है गाड़ी चलाने की, डरना मत, मेरे साथ बने रहना मेरी ड्राइविंग देखने के लिए. गाड़ी बंद करो, कॉपीराइट पे जाना, गाड़ी पे चलेगी ना, कॉपीराइट पे जाना वीडियो जा, समझा करो. सबसे पहले सीट बेल्ट, अरे मैं पहले सीट बेल्ट गई थी मैं गड्डी करनी सीट करनी थी आगे. और करो और करो आगे करो आगे करो आगे. लॉक के चेक बस स्टार्ट है गाड़ी. ठीक है क्लच दबाना, पूरा क्लच. भैया थोड़े पीछे दीजिए, पीछे दीजिए ना, ओए मेरे सिरा पर आई गिरा ऐसे ना, पर इस तरीके से क्लच. अब ये हां ठीक है, स्टार्ट है गाड़ी. 2 एक्सीलेटर
एक्सीलेटर थोड़ा ना जितना ज्यादा एक्सीलेटर दोगे तो गैस ज्यादा बनेगी और एडजस्ट कट पड़ सकता है इससे। ओके दो सेकंड के पूरा क्लच दबा के नजर नजर रोड से हटनी चाहिए ठीक है ना अंदर आ गई गिर और आगे चल गई गड्डी दिखाओ ना चलो ओ उड़ी जानी है ले उड़ गई चलो ए केड़े रोड वाले अंदर तू से आ जा सिंगल रोड में सीखना चाहिए उससे ज्यादा एक्सपीरियंस होता है। हां वो तो है ना इनमें से वो ड्राइविंग होती है डोरेस इसने सिंगल में चला ली वो गाइस देखो गुरुजी बड़े अच्छे से सिखाते हैं किसी को सीख नहीं होगी तो प्लीज मेरे को बताना मैं आपका गुरुजी से कांटेक्ट करवाऊंगी। ओ कौन आया जितना आराम से चलोगे उतनी बढ़िया गाड़ी चलाओगे। खुद ही हो जा रहा है ये एक्सीलेटर ज्यादा। चलो चलो अगली बार से मेरे को ना टाइम टाइम से आना है ऐसे में स्कैम ना करियो किसी और को बिठा के फिर मेरा वो कर देना ठीक है। सो या आज लेट कर दी कार्तिक तू कहाँ से आया ये मेरे चाची का लड़का है कर, हेलो कर। हेलो कहाँ गया था तू सुबह सुबह दूध छोड़ने क्यों स्कूल नहीं जा रहा किस चीज़ की छुट्टी है तेरे को पेपरों के बाद छुट्टियाँ ही होती है मजे लगे तुम्हारे भाई अकेले चला गया था थोड़ा बहुत दूध यार मेरे को पता क्या कर रहा चल चल साथ में जल्द जल्द मैं लेट हो गई हूँ आज ड्राइविंग क्लासेस के चक्कर में आज मैं लैब ड्यूटी में नहीं पहुंच पाऊंगी मैं टाइम से कम मेरे को 9:30 बज गया आज यहाँ पहुँचते इनके चक्कर में पर चलो अगली बार से ध्यान रखेंगे इस हफ्ते है मॉर्निंग ड्यूटी नेक्स्ट वीक से तो इवनिंग ड्यूटी है तब तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं आएगी इतने टाइम की भी। सो या बने रहना मेरे ब्लॉग के साथ अब जो मैं मेरे को बड़ा टाइम लगने वाला है बिजी हो जाऊंगी मैं अब घर जाके हाई विंटो से झाड़ू लगाना है बहुत कुछ करना है क्या पता लगा दिया डांट पड़ेगी मैं कोई कौन सा टाइम है झाड़ू लगाने का चलो देखते हैं ठीक है ओके कार्तिक जल्दी आओ क्या कर रहा है तू मैं जा रही तू किसका वेट कर रहा है अच्छा ठीक है भैया के साथ आना फिर पता नहीं अचानक से कहाँ से टपक पड़ा और अब जो है अपने भाई के साथ आएगा सोया बहन के साथ नहीं जाएगा अपने भाई के साथ आएगा ऐसे हाल है क्योंकि वो जो है व्हीकल पे आ रहा है ना तो इसलिए पैदल चलने को इसको तकलीफ हो रही है हद से ज़्यादा चलो बने रहना मेरे ब्लॉग के साथ मैं मुझे पता है बहुत बोरिंग हो रहा है आई नो तो मैं कोशिश कर रही हूँ थोड़ा अच्छा करूँ बट वही है ना डायरेक्ट सब कुछ अच्छा नहीं होता है ना धीरे धीरे कोशिश करनी पड़ती है सो या मिलते हैं अब आपसे थोड़ी देर में तब तक के लिए स्नैक्स खा लो थोड़े से ठीक है अभी धूप आ गई थोड़ी अच्छा लग रहा है बनाना ट्री अभी कच्चे हैं ये सारे हमारे खेत हैं ये नीचे से लेके वो ऊपर तक फाइनली रीच्ड होम ये है हमारा घर और ये है हमारा पुराना घर ये है मेरी दादी इतना डीमोटिवेट मत करो एटलीस्ट दादी मां की आनी होना है दिने बड़े दस मिनट जो
बोलो सिलाई कढ़ाई करना दूसरी दादी ये पूजा कर रहे हैं अभी। दादी आपका क्या कहना है? मेरी दादी ने मुझे बड़ा मोटिवेट किया, उन्होंने मोटिवेट नहीं सॉरी डीमोटिवेट किया। उन्होंने मुझे बोला कि लड़कियां वीडियो बना के बड़ी नहीं होती है, उनको घर के काम करने चाहिए सिर्फ और सिर्फ। तो एक बात तो ठीक भी है ना। सारे सारे डीमोटिवेशन वाले बंदे मेरे घर पे ही है। मजा नहीं आ रहा। तो गाइस अब जो है मैं फाइनली सफाई करके फ्री हो गई हूँ, बस मुझे एक ही काम बच रहा है, नहाना है और रेडी होना है और ब्रेकफास्ट करना है। तो यार मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। माता श्री आप मिले होंगे कल उनसे वीडियो में। देखो दादी भी आ रही हैं। श्री श्री जी लगा रहे हैं, श्री जी लगा आपको चक्कर है इतनी लग रही है। माँ क्या है ये? अरे और उधर ले जाएंगे इनको डॉग सारे। ये हमारी रॉक्सी और इसके प्यारे प्यारे पप्पीज। अगर कोई इंटरेस्टिंग होगा, किसी को चाहिए होगा तो प्लीज मुझे मैसेज करना या कमेंट में बताना। ये मेरा माऊ है और ये माऊ की दीदी है। आऊ ऐसे बुरी थी, मैं लेट हो रही हूँ और अब देखो मुझे बहुत बुरे हाल है। चुगली हेलो करो, हाय करो, बाय करो, बाय करो। कालिया बाय बाय पीछे को नहीं करनी है। कालियो दीदी और मामू एक तरह लग रहे थे, बट दोनों कालिया कालिया। कमाली बेइज्जती, गजब बेइज्जती है। ओए इसने हाथ डालने मुंह में, इसके हाथ में सारे लड़ाके सारे सही है। कोई इंटरेस्टेड होंगे इनको लेने में बताना। चलो अंदर चलो। गाइज अभी जो मैं ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी हूँ ड्यूटी पे जाने के लिए, हॉस्पिटल जाने के लिए। ये मत सोचना इतनी गर्मी में भी मैं ऐसे गर्म कपड़े क्यों पहने हुए हैं, यहाँ पे सुंदरनगर में इतनी गर्मी नहीं है। तो बेशक आपको दिख रही होगी बट इतनी गर्मी नहीं है, ठीक है। और लैब जो है बेसमेंट में है तो वहाँ पर ठंड लगती है, दैट्स वाई ऑलमोस्ट रेडी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अभी जो है मैंने लिपस्टिक एंड काजल वो मेरा मिसिंग है। जब तक मैं वो नहीं लगाती तब तक मैं ऐसे लगती हूँ जैसे बीमार हूँ, फीका फीका सा लगता है, यू नो ग्लो आएगा उसको लगाने से। सो या उससे पहले मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, उसके बाद अपनी लिपस्टिक लगाई जाएगी। बहुत ड्रामेबाज हूँ यार, सॉरी बुरा लगा तो। बात तो सही है। चलिए किचन की ओर चलते हैं। मम्मी क्या बना आज खाने में? आलू मटर। आलू मटर चावल के इसने नहीं खाना। ओए लाइक ए हेलो 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 काम कर रहा हूँ। क्या काम कर रहा है? मतलब कुछ काम नहीं कर रहा है। क्या काम कर रहा है? आपको लग रहा है ये कुछ काम कर रहा है? पोटैटो ये काम कर रहा है, ये आलू ऑयलिंग कर रहा है, ये ऑयलिंग अनियन। और मैं हो रही हूँ लेट, इतना टाइम नहीं है मेरे पास, चल करता रह जो करना है। नहीं नहीं क्या नहीं नहीं क्या नहीं आलू यार डाल दो, मुझे भी डाल दो थाली में, मेरे को भी डाल दो खाना। क्या
मेरे को चावल चाहिए। गाइस जाती मैं जिम हूँ, पर डाइटिंग मैं बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे होता नहीं है, मुझे भूख लगती है बहुत। मेरे को डालो, मैंने तो नहीं था। अच्छा उसमें डाला आलू मटर। गाइस अब मेरा ब्रेकफास्ट हो गया है, ठीक है तो चलती हूँ मैं। बाय मम्मी, ड्यूटी पे जा रही है। बाय। सुनो बोल। क्या मुझे सुना नहीं, जोर से बोल। 500 रुपए कर गूगल पे। 500 रुपए कर गूगल पे। तेरे को पता है मेरा अकाउंट बैलेंस कितना है इस वक्त? कितना? 112 रुपए शेष। मिंजो दे दे, तू थोड़े दे। 100 रुपए कर दे। 100 रुपए 12 रुपए बचना फिर मेरे पास। 12 रुपए का मैं क्या करूंगी? दे दे 112 कर दे। तो भाई जीरो अकाउंट बैलेंस हो जाएगा। क्या क्या हुआ? चल वे निकल, मम्मा से लियो जब मेरे पास पैसे होंगे तब। ठेकेदार सब बीरा तो बच्चों का ठेका ले सकते हो। हाँ उन्होंने सारी उम्र पढ़ाई लिखाई थी, अब खुद कमाओ। तो भाई शिवास को तो पढ़ा रहे हो, अब ये कहाँ पढ़ाया लिखा? अब ये थोड़ा नौकरी करा, इसको तो पढ़ा रहे हो, इसको तो दे सकते हो एटलीस्ट। इसकी बुबू कमा रही है, बुबू दो। इसकी बहन गरीब हो गई है आईफोन लेके। पहली तारीख आने वाली है, बट मैं पूरे पैसे नहीं दे पा। करवा ली बेइज्जती। सो यार गाइस फाइनली रेडी फॉर द ड्यूटी। अब मेरे लिपस्टिक भी लग चुकी है, मेरा काजल लग चुका है, इसमें इतना अच्छी खास दिख नहीं रहा है, क्लियर। आई डोंट नो, मैंने अभी कैमरे की सेटिंग नहीं की है मे भी। सो या अब मैं आपसे मिलूंगी अपनी शिफ्ट में डायरेक्ट, मतलब हॉस्पिटल में ड्यूटी पे। ओके हॉस्पिटल में एंड लैब्स में ब्लॉग बनाना तो बहुत मुश्किल होता है, वीडियोज बनाना, बट ऐसे मैं छोटी मोटी क्लिप्स ऐसे डाल दूंगी। सो या बने रहना मेरी वीडियो के साथ, अब मिलते हैं आपसे हॉस्पिटल में। तो गाइस फाइनली जो है अब मैं हॉस्पिटल पहुंच चुकी हूँ, तो मुश्किल है कुछ आगे ज़्यादा शूट कर पाना, बट मैं कोशिश करूँगी बीच बीच में थोड़े बहुत बताता हूँ। सुबह तो यहाँ पे थे सारे नाइट शिफ्ट वाले, अब हैं यहाँ पे मॉर्निंग शिफ्ट वाले। हेलो, हाय बेबी। हेलो, हाय। अब तुम शर्मा क्यों रहे हो? बस ये हमारा प्यारा सा बेबी है। क्या बोल रहे हो आप? आपकी ड्यूटी कितने बजे है? क्यों मेरी ड्यूटी है 5 बजे तक। नहीं मैं सुबह आई थी ना, फिर मशीन वगैरह रेडी करके गई, फिर अब आ रही हूँ। चलते हैं हम थोड़े आगे। हाय गाइस। हेलो, कोई भी नहीं है, मैं वीडियो बना रही हूँ ऐसे। यस बिल्कुल सही। चलते हैं, अब चलते हैं अपनी मंजिल की ओर, यानी कि लैब। और मैं फोन बंद करने वाला हूँ, सो ठीक है। क्या बोला ये लोग मुझे बीच में टोकने वाले? इधर इधर इधर। क्या बोला? छुप क्यों रहे हो? बोलो ना। जाओ। नहीं मैंने जाना, अपनी आवाज लगाई पीछे से। कैसे लोग हैं? नहीं आ रहे हो अभी तो, छुप छुप के बाय बाय। हाय गाइस, क्या बताना, छुप क्यों रहे हो? आपको नहीं बता रही हूँ गाइस, ये हमारे डॉक्टर की लेक्सिस। लिव इट अपनी जगह पे जा रहा है। इसके
शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। गाइस अभी 5 बजने वाला है, छुट्टी होने वाली है, और यहाँ पे देखो इनको घर जाने की एक्साइटमेंट। घर जाने का छोड़ पड़ा है, छोड़ पड़ा घर जाने रहा। क्यों दिशा मैडम? वेट कर रहे हैं कब जैसे 5 बजेंगे और कब जैसे यहाँ से निकलेंगे। A few moments later. आपको क्या हुआ, आप ऐसे क्यों कर रहे हो? क्या बताएं हम अपनी दास्तानें, बताओ ना। अरे बताओ ना, इतनी क्या जल्दी, अभी 5 मिनट है, आप जल्दी आ रहे हो। हम प्यारी पहना को कह रहे हैं, बोलो सच में बन रहे हैं। मजाक है, जस्ट चिल बाय बाय। जल्दी से जल्दी जाते हैं, ड्यूटी अभी थोड़ी सी लेट है। कुछ रह जाना नहीं, आपकी नाइट ड्यूटी है कि जा रहे हो? नहीं जी, हम भी जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं। कहीं नहीं जा रहा। गाइस आज का दिन बहुत ही बिजी रहा एंड मैं इस वक्त बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, बहुत गंदे तरीके से। आपका फेस बेसिकली उतर चुका है इस वक्त लिटरली। सो या अब मिलते हैं आपसे घर पे। घर पे क्या मिलना, अब नहीं मुझसे होगा कुछ नहीं अब, ठीक है फिलहाल के लिए इतना ही। सो गाइस फाइनली जो है अब मैं अपने घर पहुँच चुकी हूँ अपने रूम एंड या अब थोड़ी देर रेस्ट करूँगी कपड़े चेंज करके, देन आफ्टर दैट किचन जाना पड़ेगा, मम्मी की मदद करनी पड़ेगी थोड़ी डिनर के लिए, एंड देन आफ्टर दैट डिनर एंड देन अच्छी अच्छी नींद। सो या बने रहना मेरे व्लॉग के साथ। गॉसिप्स दोनों बुढ़ी दादियों की, अरे कितने चार पे हो रहा, एक पे दे यार, एक और अगर गुरु इसे खा दे, तीन का घंटा ही है, एक खा दे दे। हां दे हमारा जो भाई ये साल में एक बार दिखता है, और ये पर इस साल जो है ये थोड़ी ज्यादा बार दिख रहा है। पहले कुछ सालों में ये एक आधी बार दिखता था, बट अब जो है मैंने इस साल में इसको अभी तक मार्च के महीने तक इसको मैंने एटलीस्ट 3 बार देख लिया है।